dear students, I am here with a part 2 of this chapter number 6. Like as previously I have met part 1st, I hope you have gone through it once and you have watched my video. So let's begin from here. Come to page number 71. From here, how my river changed. Ab yahan pe humne before that as we have read about the fish biologist whose name is Nilesh Hera. राइट, जीव वैज्ञानिक जिसे हम बोलते हैं, राइट. तो उन्होंने अपनी यादें, जो चाइल्डहुड मेमोरीज है, वो हमारे साथ शेयर करी थी रिवर्स के रिलेटेड, राइट. कितना ज़्यादा वो एसोसिएटेड थे उस प्लेस से, रिवर्स से. और अब उसने बताया कि कैसे मेरी नदी जो है वो कितनी बदल गई है. लाइक व्हाट ही सेइंग दैट वो रिवर जहाँ पे वो खेलते थे, उनका बचपन था, जहाँ पे उनकी सारी कुछ यादें थी, अब कैसे वो पूरी चेंज हो गई है. सो कैसे सी, आई ड्रीव माय फर्स्ट लेसन इन द स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ रिवर्स फ्रॉम द रिवर ऑफ माय चाइल्डहुड द अरुणवती, अ ट्रिब्यूटरी टू द अदन रिवर दैट फ्लोज इन टू गोदावरी. हम यहाँ पे बता रखा है अलग अलग रिवर्स के बारे में जो गोदावरी से फ्लो होते हुए जाती, तो बता रहे उस नदी के बारे में कैसे वो रिवर एक दूसरे को कंजर्व करती है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी करा था सारी चीज़ें. नाउ ही वॉज डिस्कसिंग अवैया द रिवर फ्लो थ्रू माई, अब जो रिवर है वो उनके विलेज का नाम मनोरा है, जो महाराष्ट्र में वाशिम डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में बता रखा कि कैसे नदी जो है उनके विलेज से फ्लो होते हुए जाती है. साइलेंटली नर्टरिंग द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द पीपल ऑन इट्स वेक. मतलब अब नदी, एज वी नो दैट कि हाउ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिवर्स इन एग्रीकल्चर पीपल, फॉर एग्रीकल्चर पीपल, स्पेशली फॉर फार्मर्स हुज बिजनेस इज एग्रीकल्चर, लाइक सो फॉर देयर नीड्स लाइक एग्रीकल्चर, जो उसमें कैसे रिवर साइलेंटली फ्लो करते हुए ऐसे फील्ड्स वगैरह में उस पानी का यूज़ होता है, अलग अलग जगह पर यूज़ होता है उसका, राइट. आई रिमेंबर फीलिंग डीप लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द रिवर्स प्रेजेंस. और उस टाइम पर रिवर है, मैं उसके लिए आज भी आभार मानता हूँ. लाइक मेरा डीप लव है उस रिवर के लिए, ग्रेटिट्यूड है, बिकॉज वो रिवर बहुत ही अच्छी थी. लाइक उसका पानी हर जगह जगह जाता था एग्रीकल्चर पीपल के लिए, जगह जगह लोग जगह, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड सम टाइम इन द मानसून इवन फियर, और कभी कभी जब मानसून जैसे सीजन आता था उसमें उसका डर भी रहता था, क्योंकि जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती थी तो फिर फ्लडिंग, बाढ़ आने के चांसेस रहते थे. लाइक इवन दो बहुत सारे जो न्यूमरस नंबर्स ऑफ फिशेज हैं, अलग अलग तरह की फिशेज हैं, उनके लिए बहुत खतरा हो जाता था, राइट. होम टू न्यूमरस वेराइटीज ऑफ फिश, विस्कर्ट कैट फिश, स्नैक लाइक ईल्स, ब्यूटिफुल ग्लास फिश, नीडल शैप गार फिश, यहाँ पे ये वेराइटीज ऑफ फिश के बारे में बता रखा है, राइट. दिस रिवर हेल्ड मी इन दिस स्पेल, मतलब अब जो नदी है वो अंत में मुझे अपने दायरों में, मतलब ये सारी चीज़ें जो उनके दायरों में उसे रखा जाता था. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग पास टाइम फॉर अस चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व फिशर फोक ऑफ द भोई कम्युनिटी फिशिंग इंटेंटली. अब यहाँ पे बता रखा है भोई कम्युनिटी एक कम्युनिटी है, लाइक नेटिव टू महाराष्ट्र, गुजरात, द स्टर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, वेस्टर्न उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इन इंडिया. तो वो जो कम्युनिटी है वो कैसे फिशिंग इंटेंटली, मतलब वो कैसे उसको ग्रेट अटेंशन के साथ फिशिंग, एक फिशर फोक होता है जिसमें अलग अलग वेराइटीज ऑफ फिश रहते थे और लोग अपना वहाँ पे इंटरेस्टिंग पास टाइम करते थे वहाँ पे जा जाकर, राइट. तो कैसे वो रिवर में वो कितना इंजॉय करते थे, सबकी बहुत अच्छी वंडरफुल मेमोरीज है उस जगह पर, राइट. नाउ नेक्स्ट, सीइंग द अदन एंड अरुणवती आफ्टर अबाउट 25 ईयर्स. अब यहाँ पे उन्होंने उसके पास्ट ईयर्स को बताया. आप वो बता रहे हैं जब वो 25 ईयर्स बैक जब वो वापस आए. नाउ ही इज डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस. नाउ वो शॉक्ड हो गए जब उन्होंने उस रिवर को देखा, सब कुछ देखा, तो ही वॉज वेरी शॉक्ड विद दैट. वो डिसअपॉइंट हुए एज द मनोरा विलेज ट्रांसफर इन टू मनोरा सिटी. कैसे विलेज सिटी में ट्रांसफर हो गया, तो अब ऑब्वियसली अगर सिटी में ट्रांसफर हुआ तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट, इंक्रीज हो गए. द स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन द अरुणावती आर नाउ फिल्ड विद टॉन्स ऑफ सिल्ट. अब जब देखा जाए तो जो जो स्ट्रीम्स है वो काय में ट्रांसफर हो गई है, टॉन्स ऑफ सिल्ट में ट्रांसफर हो गए. रिवर जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया, एज वी नो दैट कि अब जब पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली वेस्ट इंक्रीज होगा. तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी. इन द सेम वे जो रिवर्स पॉल्यूट हुए तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया. अब देखा जाए तो धीरे धीरे जो पानी में अब वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी में जो फ्रेश वाटर मिलना वो कम हो गया, और इवन तो पानी में गिरावट होने लगे. अब इसी में जो भोई कम्युनिटीज़ है वो क्या हो गई, अब भोई कम्युनिटी जैसे हमने बताया था कि उनका मेन काम था फिशिंग्स वगैरह से रिलेटेड, अब उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया. अब जो फिश अवेलेबल होगी वो बहुत हार्मफुल हो गई, तो अब उनसे उनका जो प्रोफेशन है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और ऐसे ऐसे करके सब कुछ चेंज होता गया, राइट. सो ही वॉज ट्रांस हियर ही, दैट्स व्हाई हैव रिटन द टाइटल हाउ माय रिवर चेंज, कैसे मेरी वो नदी चेंज हो गई है, राइट, कैसी वो नदी कंटिन्यू हो गई, राइट. नाउ हियर ही आर सेइंग बिकमिंग डंपिंग ग्राउंड्स फॉर गार्बेज, प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेशा स्टेचू, देयर इज नो वेल पॉवर्टी.
पपटानी, मतलब यहाँ पे बता रही कैसी नदी को हमने, वाटर को कितना ज़्यादा पल्यूट कर रखा है, कचरा भर चुका है। कचरा देखा जाए तो रेड पिकर्स के लिए कितना मुश्किल होता है वेस्ट को कलेक्ट करना, राइट। तो देखा जाए तो कितना ज़्यादा हमने कचरा कूड़ा ये सब कर रखा है, राइट। प्लास्टिक ब्लैक्स, प्लास्टिक ऑफ गणेश जी की मूर्तियाँ, कुछ भी हम मूर्ति बनाते तो वो POP यूज़ करते, तो वो सारी चीज़ें एट लास्ट हम अगर उसको नदी में फ्लो करते तो फिर क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, गंदी हो जाती है, राइट। द मोस्ट स्ट्राइकिंग चेंजेस हैज़ बीन द डिक्लाइन इन फिश डाइवर्सिटी। अब सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आया वो आया मछली में गिरावट। देखा जाए तो पहले इतनी वेराइटीज़ ऑफ फिश मिलती थी, वो सारी बहुत अच्छी होती थी, और अब देखा जाए तो रिवर इतनी ज़्यादा गंदी हो गई कि जो अच्छी फिश थी वो भी पॉइजनस या जहरीली चीज़ में कन्वर्ट हो गई, और धीरे धीरे तो उनका सर्वाइवल ही होना मुश्किल हो गया, और वो क्या हो गए, धीरे धीरे मरती जा रही है, राइट। द डीप पोल्स नाउ, द डीप पोल्स विच वर होम टू अ वेराइटीज ऑफ फिश आर नाउ सिटल्ड एंड चिल्ड। अब देखा जाए तो जो बहुत बड़े बड़े पूल्स थे, ताल थे, अब वो भी धीरे धीरे उसमें जो अलग अलग तरह की फिशेज थी अब वो क्या हो गई, शांत और उथल हो गई है, शैलो हो गई, मतलब वो खत्म होती जा रही धीरे धीरे, राइट। आई रिमेंबर दैट वेन आई वॉज अबाउ 5 फिशरमैन ब्रॉट अ ह्यूज टॉर्टोइस टू वीकली मार्केट। अब उन्हें जब वो 5 साल के थे या 5 साल के ऊपर के, तब उन्हें याद है कि फिशरमैन एक इतना बड़ा टॉर्टोइस लाया था जो मार्केट में बेचने के लिए आया था, और वो इतना बड़ा था कि इवन वो मेन उसके बैक पे बैठ कर वो घूम रहा था, राइट। तो इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्रिएचर्स थे जब बचपन में थे। आई हैव नेवर सीन सच लार्ज क्रिएचर्स इन द रिवर ड्यूरिंग माई करियर एज अ फिश बायोलॉजिस्ट। इवन दो वो फिश बायोलॉजिस्ट तो बोलते, मेरे पूरे करियर में मैंने उससे बड़ा अभी तक क्रिएचर नहीं देखा जो रिवर में था, और इतना अच्छा क्रिएचर्स था। अब वो नेक्स्ट बोल रहे हैं, डिपेल्टिंग फिश डाइवर्सिटी इज़ अ बिग कंसर्न। अब देखा जाए तो फिश की जो मछलियों में गिरावटें हो रही है, लाइक वो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली लोकल फिश वेराइटीज़ आर बींग रिप्लेस बाय हार्मफुल स्पीसीज। अब जो फिश की वेराइटीज़ है वो अलग अलग खतरनाक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई है। फिश लाइक द रिवर कैट फिश, द इंडियन लॉन्ग फिन, ईल एंड द अदर एग्जॉटिक वेराइटीज़ हैव बिकम फीवर। एट द सेम टाइम देयर हैव बीन अ शार्प राइज इन द नंबर्स ऑफ हार्मफुल फिशेज लाइक टिलापिया, द चाइनीज कार्प, कैर्प एंड द वॉकिंग अफ्रीकन कैट फिश। हाउ एवर देयर आर रेव, मतलब अब देखा जाए तो हियर इज दैट कि अब जो फिश है उनकी वेराइटीज़ चेंज हो गए, वो हार्मफुल स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज फॉर अस ये जो डाइवर्सिटीज़ हो रही है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अब वो बोल रही फिर भी हमें एक उम्मीद है, वी आर हैविंग अ रे ऑफ होप कि नई जल्दी इस बिगड़ती चीज़ों को हम संभाल सकते हैं। Because the people are now becoming aware of the deteriorating health of rivers and the devastating impact of these on their life. अब जो like ये जो environment pollute हो रहा है, तो अब people को भी इसके लिए concern होना हो रहे हैं, because of this they are facing their health problem, illness, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उन लोगों का, तो अब वो उस चीज़ के लिए समझ में हो रहा है। Because of that अब इन्होंने एक छोटा मोटा मोमेंट स्टार्ट करा है, जिसे बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ अदन सब बेसिन इज गेन स्पीड। अब ये जो मोमेंट, ऐसे लोग क्या हो रहे हैं, संभल रहे हैं इस चीज़ के बारे में, जागरूक हो रहे हैं, राइट। आई लिव इन द होप दैट वन डे आई विल सी माई ओल्ड रिवर अगेन। और वो भी उस पॉइंट भी यहाँ पे उस उम्मीद लगाए बैठे कि अब मेरे को भी एक उम्मीद है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो मेरे पुरानी रिवर जो मैं छोड़ कर गया था, आई होप मुझे वो मिले। हियर इज़ अनादर अकाउंट ऑफ हाउ द परूर रिवर इन केरला डाइड अ स्लो एंड पेनफुल डेथ ड्यू टू पोल्यूशन, हाउ इट वॉज ब्रॉट बैक टू द लाइफ टू द एफर्ट्स ऑफ कंसर्न सिटीजन। यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कैसे एक रिवर थी जिसका नाम था कुटम्परर रिवर, जो केरला में थी, कैसे धीरे धीरे वो पूरी तरीके से पल्यूट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, और फिर कैसे लोग सिटीजन्स ने मोमेंट स्टार्ट करा, प्लानिंग करी, और कैसे वापस से वो पुरानी नदी वापस आ गई। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।